दादा घटनाओं के अभियोग पंजीकृत किए गए थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लगातार चोरियां हो रही थी और इस चोरी की घटना का अनावरण करना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में सीओ सिटी और कोतवाली देहात की संयुक्त टीम के द्वारा इस चोरी के गैंग को वर्कआउट करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी कड़ी में जो हमारी टीमें इस काम में लगाई गई थी उनको अभी एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस गैंग को वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम को दिनांक 5 नवंबर 2018 को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि श्रावस्ती से बलरामपुर की तरफ चोरों का एक गैंग मोटरसाइकिलों से आने वाला है। इस सूचना पर इस सड़क पर नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान रघुआपुर मोड़ तिराहे के पास 3 मोटरसाइकिलें सस्पेक्ट आती हुई दिखाई दी, जिस पर 3 लोग सवार थे, 3 चालक इन गाड़ियों को चला रहे थे। इन तीनों को रोका गया। रोकने पर इन तीनों गाड़ियों के जो वाहन चालक थे वो भागने लगे। हिकमत अमली का प्रयोग करके इनको कब्जे में लिया गया, पकड़ा गया, गाड़ी मौके से बरामद की गई, अभियुक्तों को पकड़ा गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम जो बताया वो क्रमशः एक चित्रसेन प्रसाद शुक्ला, दूसरा कल्लू सोनकर और तीसरा गब्बर उर्फ अमन सोनकर। ये चित्रसेन यही बलरामपुर का ही बिश्नीपुर का रहने वाला है, कल्लू सोनकर इडिया थो गोंडा का रहने वाला है और गब्बर उर्फ अमन भी बिश्नीपुर ये बलरामपुर का ही रहने वाला है। इन तीनों ने ये स्वीकार किया कि इनके द्वारा ये तीनों मोटरसाइकिल कचहरी परिसर से चोरी किए गए थे, जिसकी अभियोग पंजीकृत है। इनसे और विस्तृत पूछताछ करने पर इन्होंने ये स्वीकार किया कि एक और मोटरसाइकिल चित्रसेन की ठाकुर द्वारा स्थित दुकान पर रखी गई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा एक और मोटरसाइकिल रिकवर की गई। इस प्रकार कुल 4 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई हैं और थाना कोतवाली देहात की टीम द्वारा ये एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया गया है। और इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर 379, 411, 419, 20 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों को चालान न्यायालय किया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे विधिक कार्यवाही की जा रही है।